तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं विजय शर्मा और आप देख रहे हैं योर फाइनेंस टीचर। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं इक्विटी और डेट्स के बारे में। इक्विटी क्या होता है, डेट्स क्या होता है, जानेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपने सुना ही होगा इक्विटी के बारे में और आपने सुना ही होगा डेट के बारे में, लेकिन सबसे अच्छा और सिक्योर्ड इन्वेस्टमेंट कहाँ आप कर सकते हैं, इक्विटी में या फिर डेट्स में। तो सबसे पहली बात समझते हैं इक्विटी होता क्या है। आपने सुना ही होगा कंपनी, कंपनी में हिस्सा जब आपको चाहिए होता है ना तो उसे कहते हैं शेयर, और वो शेयर होता है इक्विटी शेयर। लेकिन जब कंपनी आपसे लोन लेती है, जब कंपनी नॉर्मल पब्लिक से लोन लेती है ना, तो उसे कहते हैं डेट। और डेट ना दो तरीके से हो सकता है। जब कंपनी लोन लेती है ना, डेट कहते हैं उसे। और डेट कंपनी दो तरीके से रेज कर सकती है, या तो वो डायरेक्ट पब्लिक से ले ले, या फिर वो बैंक से ले ले। जब वो बैंक से लेती है तो उसे बैंक लोन कहा जाता है, और जब वो डायरेक्ट पब्लिक से लेती है तो उसे कहा जाता है बाय डिवेंचर। और जब कंपनी डिवेंचर इशू करती है तो इसका मतलब क्या होता है कि वो डायरेक्ट मार्केट से, मतलब कि डायरेक्ट नॉर्मल पब्लिक से लोन ले रही है। इसका मतलब है कि वो लोन रिपेमेंट भी करना पड़ेगा, तो एक आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम वो लोन रिपेमेंट करना पड़ता है, वही होता है डिवेंचर। अब डिवेंचर क्या होते हैं ना, हमारे बहुत लंबे पीरियड के होते हैं डिवेंचर, होते हैं 10 साल, 20 साल। लेकिन 20 साल के बाद हमारी कंपनी को वो पैसा नॉर्मल पब्लिक को वापस करना होता है, तो वो डिवेंचर है। और इस पर हमारी कंपनी को इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है उन डिवेंचर होल्डर्स को जो डिवेंचर्स खरीदते हैं। इसी तरीके से डिवेंचर्स होते हैं जैसे 7% डिवेंचर्स, 9% डिवेंचर्स, 12% डिवेंचर्स। तो ये परसेंटेज है ना, ये होता है इंटरेस्ट रेट, जिस इंटरेस्ट रेट पे हमारी कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी किसको, उस पब्लिक को, जिस पब्लिक से इन्होंने डिवेंचर उठाए हैं फंड रेज करने के लिए। और वहीं पे दूसरे हाथ पे हमारे पास आता है इक्विटी। इक्विटी क्या होता है, इक्विटी बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो, इक्विटी ना एक शेयर है कंपनी के अंदर। डिवेंचर में कंपनी आपसे लोन ले रही है, मतलब कि आपके पास कंपनी का हिस्सा नहीं आया, आपने सिर्फ कंपनी को लोन दिया है, एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम बाद आपको वो लोन का पैसा वापस मिल जाएगा। लेकिन इक्विटी होता है, कंपनी आपको अपने अंदर हिस्सा दे रही है, कंपनी आपको अपने अंदर हिस्सा दे रही है, तो इसका मतलब है कि वो पैसा कभी वापस नहीं मिलेगा। वो हिस्सा जो है वो आप किसी और के ऊपर ट्रांसफ़र कर दो, किसी और को वो इक्विटी बेच के वो हिस्सा आप अपना वो हिस्सा आप बांट दो किसी और को दे दो। लेकिन जो इक्विटी है ना, ये दो तरीके से खरीदा जा सकता है। जब कंपनी थ्रू IPO या FPO प्राइमरी मार्केट में शेयर बेचती है, मतलब कि जब कंपनी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम या फिर दूसरे टाइम, तीसरे टाइम, जब भी वो शेयर्स बेचती है तो कंपनी क्या करती है, इशू करती है नए शेयर, और वो क्या करती है प्राइमरी मार्केट में, तो वो होता है डायरेक्ट प्लेसमेंट। और डायरेक्ट प्लेसमेंट ऑफ शेयर्स, वहाँ पे हमारा जो इन्वेस्टर है वो डायरेक्ट शेयर्स को प्लेस करता है अपने नाम पे, और डायरेक्ट अलॉटमेंट ले लेता है शेयर्स के विदाउट एनी इंटरफेरेंस ऑफ एक्सचेंज। तो लेकिन जब हमारे ट्रेडर्स जो होते हैं, इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स में फ़र्क है, ध्यान रखना। अगर आपको IPO और FPO के बारे में थोड़ा और जानना है तो राइट कॉर्नर में आपको वीडियो मिल जाएगी, उस वीडियो को आप चेकआउट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे थे इक्विटी की। हमने जाना कि इक्विटी हम प्राइमरी मार्केट से खरीद सकते हैं, जब कंपनी डायरेक्ट कंपनी शेयर इशू करती है, सीधे डायरेक्ट नॉर्मल पब्लिक को शेयर इशू करती है, एक्सचेंज यहाँ पे बिल्कुल नहीं आता। तो जब डायरेक्ट शेयर इशू करती है तो वो प्राइमरी मार्केट में करती है थ्रू FPO और IPO। FPO होता है फर्दर पब्लिक ऑफरिंग, IPO होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। उसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट, और सेकेंडरी मार्केट में आता है हमारा एक्सचेंज। वहाँ पे होते हैं ट्रेडर्स, मैं सेलर हूँ, दूसरा बंदा बायर है, मुझे शेयर्स बेचना है, बायर को ख़रीदना है। तो सेलर क्या करेगा, एक्सचेंज पे जाएगा, डीमैट अकाउंट होगा उसके पास, एक ट्रेडिंग मेंबर के ज़रिए, एक स्टॉक ब्रोकर के ज़रिए वो शेयर खरीदेगा या फिर शेयर बेचेगा। जब वो शेयर खरीदता या बेचता है ना, हमारा जब हमारा ट्रेडर शेयर खरीदता या बेचता है ना, तो वहाँ पे वो ट्रेडिंग करता है, और वो जो ट्रेडिंग करता है ना वो होती है सेकेंडरी मार्केट में। और सेकेंडरी मार्केट का काम ही यही है, जब हमारे प्राइमरी मार्केट में शेयर इशू हो जाते हैं, कंपनी शेयर इशू कर देती है, अलॉट कर देती है, उसके बाद हमारा जो
इन्वेस्टर है जिसने प्राइमरी मार्केट से शेयर खरीदे हैं, कुछ टाइम बाद वो शेयर लिस्ट हो जाते हैं एक्सचेंज पे और एक्सचेंज से वो शेयर आराम से बाद में खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। एक्सचेंज के ज़रिए वो उन शेयर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। ख़रीदना और बेचने वाला जो प्रोसेस है वो वहाँ पर होता है। तो ध्यान रखना, इक्विटी का मतलब होता है प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में शेयर खरीद दे जाते हैं डायरेक्ट कंपनी से, और सेकेंडरी मार्केट में जहाँ पे एक्सचेंज आता है वहाँ पे बायर और सेलर ट्रेड करते हैं उन्हीं शेयर्स के बीच। मेरे पास किसी कंपनी के शेयर हैं, मुझे वो अपने पास नहीं रखने हैं, मुझे किसी और को देने हैं, तो मैंने एक्सचेंज पे जाके ऑर्डर डाल दिया, ऑर्डर डाल के मैंने शेयर अपने बेच दिए। तो यही होता है सेकेंडरी मार्केट में। तो इक्विटी सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड की जाती है, ऐसा नहीं है कि डिवेंचर ट्रेड नहीं किए जाते, सेकेंडरी मार्केट में डिवेंचर भी ट्रेड किए जाते हैं। तो प्राइम अगर आपको सेकेंडरी मार्केट में शेयर बेचने हैं तो आप नॉर्मल मार्केट के ज़रिए बेच सकते हैं, और अगर आपको डिवेंचर्स बेचने हैं तो आप रिटेल लेट मार्केट में जा सकते हैं और वहाँ पे आप डिवेंचर्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि इक्विटी क्या होता है और डिवेंचर्स क्या होता है। होपफुली आपको समझ आया होगा। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। गुड बाय, आज की वीडियो के लिए इतना ही। और दोस्तों, जाते ही जाते सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए चैनल को, क्योंकि मैं आपके लिए रोज़ ऐसी वीडियो लेके आता रहता हूँ। गुड बाय, नमस्ते।